रेवाड़ी के गांव दखोरा के रहने वाले किसान अनिल कुमार ने प्रदेश भर में अपनी सब्जी उत्पादन में गुणवत्ता का डंका बजाया है। करनाल के घरोंडा में आयोजित हुई 3 दिवसीय सब्जी एक्सपो में अनिल कुमार को प्रथम स्थान दिया गया है। अनिल कुमार 7 एकड़ में जैविक खेती करते हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ ही इसराइल दूतावास से आए बहुत से मेहमान भी मेले में पहुंचे थे। कृषि मंत्री से लेकर इसराइल से आए मेहमान भी अनिल कुमार के सब्जियों के मुरीद हो गए। प्रदेश सरकार के उद्यान विभाग की तरफ से 9 से 11 अप्रैल तक करनाल जिले में स्थित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरोंडा में सब्जी एक्सपो का आयोजन किया गया था। इस सब्जी एक्सपो में प्रदेश के सभी जिलों से सब्जी उत्पादक किसानों ने अपनी स्टॉल लगाई थी। रेवाड़ी जिले के किसान अनिल कुमार ने भी अपने खेतों में उगाई सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई थी। किसान अनिल ने आलू, टमाटर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, लहसुन, टिंडे सहित अन्य सब्जियों को प्रदर्शनी में रखा था। वहीं अनिल कुमार का कहना है कि सरकार जैविक खेती को लगातार बढ़ावा दे रही है। किसान लगातार जैविक खेती की ओर आकर्षित भी हो रहे हैं, लेकिन किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए फर्टिलाइजर से उत्पादित सब्जी मंडियों में ही जाना पड़ता है। ऐसे में उन्हें भाव नहीं मिल पाता। सरकार को चाहिए कि जैविक खेती के लिए अलग मंडी का निर्धारण किया जाए। सर, वो ऐसा है कि इसलिए आते हैं कि डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में और खासकर कोसली एरिए में जैविक का सर मेरे से पहले कोई किसान नहीं जी। अब धीरे धीरे एक दो किसान आए हैं, बाकी सबसे पहले मैं किसान हूँ। जैविक के खाने के इच्छुक बाजार से भी कोरोना टाइम में मैंने लाइन लगाई थी। यहाँ पे मेरे के पास रजिस्टर मेंटेन है, 100-100, 90-90 डेली के इंडिविजुअल अपने घर के लिए सब्जी लेके जाते थे। वो शेयर इसलिए जैविक है, अच्छी है, स्वास्थ्य ठीक रहे, पौष्टिक। किसान अनिल कुमार ने जैविक खेती में जो मुकाम हासिल किया है वो अन्य किसानों के लिए भी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। किसान अनिल कुमार ने जैविक खेती करने रिठानी तो सबसे पहले अपने आप को ही, वहाँ वर्मी कंपोस्ट प्लांट लगाया था, जैविक खाद बनाने शुरू की। इसके साथ ही 1 एकड़ में उन्होंने अमरूद का बाग भी लगाया हुआ है। किसान अनिल कुमार की जैविक सब्जियों की इतनी मांग है कि लोग घर पर ही उनकी सब्जियां लेने के लिए पहुंच जाते हैं। अनिल कुमार का कहना है कि किसान अच्छे से जानकारी लेकर खेती करें तो जैविक खेती से भी पूरा उत्पादन हासिल किया जा सकता है।